फ्लावर्स देखें कितने नाइस, कितने ब्यूटीफुल। चलो अभी जैनब ने कार्ड लिख दी क्योंकि अभी जैनब बड़ा फस फस के काम हो रहा है तो क्योंकि मेरे लिए ना मुश्किल हो रहा है किचन में काम करना, तो मैंने कहा है वसीम ने दूध पत्ती नहीं बनाई तो ये आराम से अंदर बैठ के खबरें देख रहे, न्यूज देख रहे थे मैं किसी है? अच्छा, अगर मिस रोशनी आ गई तो फिर आपकी जिंदगी की तबाही है। आएगी क्यों नहीं आएगी भाई, इसका अब्बा भी आएगा, इसका पूरा खानदान है इसके साथ, तो मेरे सिर पे दर्द है। और कोई और डेकोरेशन के जो है ना चीजें वो मैं इसके ऊपर सेट करूंगी, अभी फिलहाल किचन। ये क्या है तू मामा, दिखाओ क्या है, मैं गाड़ी में जाती हूं। देखते हैं जी यार हमने क्या बनाया। ये देखिए जी वसीम साहब आ गए, वो डल सी से डर ही गए, तरह नहीं करेगा तड़ा मेरा नाम ना, क्यों डर जाता हूं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ हमने सुबह सवेरे लगा दी मशीन, तो बस आज जो है हम करेंगे किचन की थोड़ी सेटिंग चेंज, बच्चों को पहले स्कूल छोड़ के आएंगे, फिर आके तो देखें कि किचन की जो सेटिंग है, और बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी। चलो देखें जी यार, जैनब की फ्रेंड की बर्थडे है, जैनब उसके लिए प्रेजेंट फ्लावर्स लेके जाएगी। ये स्काफ है, उसका स्काफ उसमें नहीं आता, उसमें मैंने वो फ्लावर से वो रखा है। हाँ तो वो स्काफ इसमें आ गए, ओके। फ्लावर्स देखें कितने नाइस, कितने ब्यूटीफुल। तो ये इसके ऊपर थोड़ा सा इस पे कर दो आप, थोड़ा फिर उसमें कर दो, है ना। अच्छा ऐसे गुड हो गया। चलो अभी जैनब ने कार्ड लिखने, स्पेशल टू अ स्पेशल फ्रेंड। चलो मौसम देखें, धूप निकल रही है, आज ठंड कुछ कम है, मौसम ज़बरदस्त है आज का भी माशाल्लाह। चलो स्कूल में रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम मरियम, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक आपकी किस्मत अच्छी करें, आमीन। पढ़ो लिखो और अपने माँ बाप का जो नाम है ना वो खूब रोशन करो, और बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारा प्यार आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, ये जी ये भी डब्बा है जो हमारा पहले, ये राउटर है, इसमें ब्रॉडबैंड हमारी ये नहीं है, अभी इंटरनेट वाईफाई वगैरह नहीं है, तो डेटा जो है ना ये इतना बड़ी मेहनत करती हैं आप लोगों के लिए, वीडियो बना के घर में एडिट करके फिर इनको इधर से जाना पड़ता है थोड़ा बाहर जहाँ सिग्नल सही आए, इस घर में ना सिग्नल भी सही नहीं आते कई दफ़ा, तो अपलोड करने के लिए इनको वहाँ जाना पड़ता है, गाड़ी में बैठ के वहाँ अपलोड करती हैं। तो अब ये जो मैंने चूज़ की थी, एना नंबर के चूज़ की थी ये ब्रॉडबैंड, वो उन्होंने स्पेशली वायर डाली थोड़े दिन पहले हमारी गली में, मेन रोड से लेकर ना हमारे डोर तक स्पेशल वायर डाली है उन्होंने, आए हुए थे काफ़ी सारे वर्कर्स। अब वो थोड़े दिनों तक जो है ना, और पाँच छः दिनों तक और इंजीनियर आएगा, वो फिर ये दीवार के अंदर सुराख करके तो बाहर से फिर केबल अंदर लाएगा, तो फिर हम लोगों की स्पीड जो है ना वो चलेगी। यहाँ पे जी मैंने चाय बनाई आधा मग अपना राधा वसीम साहब का, इधर वसीम बैठे हुए हैं साथ में ये खा रहे हैं, ये देख कैलकुलेट कर ये तब आई। यहाँ पे जी हम आज कर रहे हैं किचन की थोड़ी सेटिंग, ये जो फ्रिज है ये जाएगी इधर, और ये वाली जो शेल्फ है ना ये जाएगी जहाँ पे फ्रिज है। मेरे लिए ना मुश्किल हो रहा है किचन में काम करना, मुझे कोई जगह नहीं मिल रही, तो वहाँ पे जो है ना यहाँ तो फिर मैं कोई बड़ी वाली शेल्फ ला के रखूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी बात काट रहा हिना जी ने ना आज किचन की रीलोकेशन स्टार्ट कर दी है। मैं कहा चलो ठीक है करो, उन्होंने कहा जी बहुत आराम कर लिया तुम, दूध पत्ती पिला के वो भी आधा मग, तो मेरे से अब काम करवाना है उन्होंने। मेरा पुंडा गया, तो ये शेल्फ जाना फिर है ना वो देखनी पड़ेगी इसके ऊपर, तो ना इसको ना वैसे मैं जूतों शू रैक के लिए ना यूज कर रही हूं। हां कर सकते हैं ना, वो वाला उठा के यहां पे है ना, इसके ऊपर टॉवल वगैरह आ सकते हैं बाहर के, इतना स्लिम है ना ये, बहुत स्लिम है, इसके ऊपर ना फिलहाल अभी इसको किचन में रखो क्योंकि अभी ये रखने की जगह नहीं है चीजों की। मैं ना इधर के लिए देखूंगी, इधर के लिए ना थोड़ी लंबी देख लेना, थोड़ी डीप देख लेना उसके ऊपर ना, ताकि सब चीजें सही आ जाए। कैमरा पीछे तुसी अगर खोते हो शाबाश, और गॉड हो रहा है, सॉरी चलो जी, सॉरी ये ले, ये उधर रखते जाए, आप यहां से निकालो
तो इसके ऊपर तो ना मैं ऊपर इसको रख दूंगी ऊपर वाले कॉरिडोर में, इसके ऊपर टॉवल वगैरह सारा कुछ आ जाएगा, टॉवल आ जाएंगे। वैसे तो ये बाथरूम में भी बड़ी अच्छी लग रही थी वो जो प्लास्टिक, इसको ना मैं ऊपर बोतल लगे में ऐसे उठा लो, इसको ऊपर मैं कॉरिडोर में रखूंगी और इसके ऊपर मेरा मनी प्लांट आएगा और इसके ऊपर आएंगे टॉवल, देख लेंगे कुछ भी इधर फिलहाल ले लो। ये ना बड़े अच्छे इसके ऊपर मेरा प्लांट बड़े नाइस आएंगे ना, ये आप उठाओ हट्टे जी इनको आप उठा लो। ये देखें ये वाला कुकिंग ऑयल जो है ना हम ये यूज करते हैं, ये एजदा पे आ ही नहीं था रहा तो ये अब आया, तो मैं ये फिर दो ले आई थी फिलहाल कि रमजान जो है ना वो हमारा अच्छा गुजर जाए। तो ऐ जड़े ना आई हाय ये ना इसके अंदर भी है, तो इधर था उधर खिलारा पड़ा, खिलारे पे नहीं जाना आप लोगों ने। ये देखें ये ना किचन में ये चीजें बड़ी अच्छी रहती है, मेरे पतीले शतीले इसको फिलहाल मैं वहां रखूंगी, पतीले मैंने कितने ही अपने जो ना चैरिटी में दे दी क्योंकि मेरे को जगह ही नहीं सी आई हूँ भांडे रखने की, गराज में भी कितना कुछ है जो गेहूं वाली बना लूं ज्यादा चीपर, मेरा कम मेहनत लगेगी, कम मेहनत तो लगेगी नहीं, कम मेहनत क्या लगेगी, वो बनी बनाई वहाँ पड़ी हुई है उसको, क्योंकि मेरे जब तुम आओ ना घर तो मुझे बता देना गैरेज में कुछ रह गए वो मैंने लेने आने पड़ेगी सारे, ये बंद कर दे टोटली किसको, हाँ ये रेडिएटर किचन का तो बंद ही कर दे, किचन में नहीं है जरूरत वैसे क्योंकि फ्रिज वहाँ रखनी है। इधर से मैं इसकी केबल जो है मैं ला सकता हूँ इजीली, कौन कौन सी जगह से इजी रहेगा जो मैं ना स्प्रे मेरा कहाँ गया, यहाँ से मैं ना उधर फ्लोर पे स्प्रे कर दूँ जहाँ पे फ्रिज जानी है क्योंकि उधर ना कुछ गिरा हुआ नीचे, तो ये देखें ये वाला मेरे पास ओके सॉल्यूशन मिल गया मुझे। चलो जी यहाँ से हमने कर लिया साफ, वसीम अब गैरेज में से वो निकाल के लाएंगे बड़ी वाली एक्सटेंशन जिन्हू इंजन पे ये आर कुमाईद है तो वो जो है फ्रिज इंशाल्लाह आएगी यहाँ पे, और देख रहे हैं कि वहां पे कैबिनेट ला के लगा लें ताकि जो मेरा ये सारा बाजार यहाँ लगा हुआ है या ये चीजें है ना यहाँ पे मैं सिर्फ पतीले अच्छे से करके अपने सेट करके रखूंगी ताकि मुझे वो कबर्ड्स में से निकाल लेना पड़े, कबर्ड्स में इतनी जगह भी नहीं है। और जाएगी थोड़ी सी बस, चलो चलो आप निकले पीछे से, थोड़ी सी तरह बिल्कुल मतलब हाफ एन इंच और हंड्रेड रेडिएटर तो बांध दिया, थोड़ी सी और जाएगी बस बस नीचे बस यहाँ पे सही है ये ठीक, तो हाँ ठीक है मैंने इतनी की खोल नहीं होती है ज्यादा, ये हटा दो यहाँ से तस्वीर ये नहीं लगेंगे ओके, इनको इधर कर दीजिए ये ना मैं ये डबल डबल पता नहीं क्यों बस अदर मैं बैलेंस करता हूँ अभी ठहर के इसको, मैं जरा ना ये वाली कबर्ड्स खोल के देख लूँ क्योंकि मुझे ना इतनी हाँ नहीं ये तो मैं आराम से चीजें निकाल लूंगी, हाँ सही है सही है, ये फिर फिक्स रखना डोर को, हाँ नहीं डोर यही रहेगा ये ना फिर वरना बड़ी जोर का लगेगा फ्रिज में आके, किसी ने कहा था जी किचन का जो डोर है ना वो उतार दे, तो डोर जो है ना वसीम को ही उतारना पड़ेगा फिर वसीम को ही लगाना पड़ेगा तो इनके लिए ना बड़ा काम हो जाएगा, तो इसलिए जैसे जो चीजें हैं वो एज इट इज हमने वहीं पे रहने देनी है, इस घर के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं करनी। ये है फायर डोर एक जमाने में मुझे याद है किसी कस्टमर के घर गया था काम करने, तो उनके मास्टर बेडरूम का फ्लैट थे वो डोर नया लगवाना था उन्होंने, तो मैंने डोर उठाया मेरे बस लग रहा है मेरा फायर डोर बहुत हैवी होते हैं, तो ये वाला जो है ना हम इसको नहीं उतार सकते साथ, मैं जब सम टाइम मैंने खाना मैं बनाती हूँ ना जैसे मीट को भूनती हूँ तो वसीम को ना स्मेल बहुत चढ़ती है, तो एटलीस्ट जब मैंने कुकिंग करनी है ये दरवाजा मैं बंद कर दूं ताकि सारे खाने की स्मेल ना पूरे घर में ना जाने, तो इन्ना ना फिर उल्टियां शुरू हो जाती है ना 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 नहीं नक पे मेरा चढ़ गया हाँ। इसका मैं बैलेंस कर लूं आप उतनी देर से क्या करूं उतनी देर में, ये तो बड़ा उधर से डिंडोंग है, नहीं उसके अंदर की है ना व्हील आपने अंदर जो कर दी है, अच्छा हाँ उनको बाहर निकाल लें पाए इनके, हाँ पाए बाहर निकाले इन्ना दे पाए पकाइए किधर गया हट जा फिलहाल ये केबल यूज कर लेंगे तो ये ना एक इंच स्कर्टिंग के नीचे से जगह है वायर हो जाएगी ना, और अब वाइट कलर क्योंकि पता नहीं चलेगा, अच्छा मैं पता क्या कह रही थी कि ट्यूब लाइट ना मुझे यहाँ पे चाहिए, मुझे लगा फ्रिज ऊपर लगानी ऊपर देख रही नहीं फ्रिज नहीं लगानी
पहले दिला दो, अब दिला दो, मैं काम छत पे लगा दो। नहीं पता क्या ये ना डोर की वजह से, फ्रिज की वजह से लाइट प्रॉपर यहाँ आती नहीं, ये मिडल में लगेगी ना। मैं मैंने भी नोटिस किया था, अपनी वीडियो कल बना रहा था ना मैं, हाँ, लाइट तो वो सेटिंग चेंज नहीं बनती है, उधर मैं कर दूंगा इसको। हाँ इसको उधर कर दूंगा, कर दूंगा, कर दूंगा, कर दूंगा, कर दूंगा। आपका हुक्म सर आंखों पे, मैं नन्ही सी जान क्या क्या करूंगी। नन्ही सी जान है, मैंने ना सुबह मैजडा गई, मैंने वहां से ना मसीन को मैसेज किया कि मैं ना एसडा से निकलने लगी हूं। मैंने मैसेज किया कि मैं ना एसडा तो निकलने लगी हूं, अब मुझे बात से आनी है, तो सुना दो हुक्म हो तो। मैंने कहा मैं ना एसडा से निकलने लगी हूं, तो ना आप अगर उठे हुए हैं तो ना दूध पत्ती उठे रख दो, कि आज बड़ा दिल कर रहा है बड़ी देर के बाद, तो ना बैठ के तो हम जो है ना दोनों चाय पियेंगे। वो मैसेज मैं फिर टिल ते चली गई, वो मैसेज सेंड ही नहीं हुआ, वे टिल दिया भी वाजा टी टी, मैं कह रही मैं देखा वसीम साहब ना अंदर बैठे टीवी देख रहे, मैं आके किचन देखा, मैं चुप रही थी। फिर घर आई ना तो मैंने कहा है वसीम ने दूध पत्ती नहीं बनाई, तो ये आराम से अंदर बैठ के खबरें देख रहे, न्यूज देख रहे थे, मैं कह है बड़ा मुंह सवार के मैं कह रही। अच्छा मैंने इनको रोब से पूछा, मैंने जरा रोब से पूछा, मैं कहा वसीम साहब तुम मेरा मैसेज नहीं सी मिलया, मैं कह वैसे कमाल नहीं कर दिता तुम, तो कहते हैं कौन सा मैसेज, इन्होंने मेरे मैसेज सुनाया तो दूध पत्ती वाला मैसेज ही कोई नहीं, मुझे लगा मैंने किसी और को कर दिया मैसेज, मैं क्या आप पावे कोई और मेरे वास्ते दूध पत्ती बना दो। इन्होंने करना था, इन्होंने करना था किसी और को मैसेज करना था, तो वो उठा के इन्होंने पेरेंट उधर वो बच्चों को किया हुआ था मैसेज, कहीं और ही। तो मैंने तो मैं क्या कर रहा आपको भी, आपने मिस्टेक की थी किसी और गल छड़िया तुसी। मैंने अपना मोबाइल निकाला, मैंने कहा मैं चेक करूं कि मैंने मैसेज किसको कर दिया, और मैं देखा तो मैसेज मेरा हले रिकॉर्ड ही होता पाया, जो आवाजा गड्डी के दरवाजे बंद शॉपिंग रिकॉर्डिंग चल रही, रिकॉर्डिंग ही चलती पी, ये तो मेरा हाल है। मैं क्या चाह था कि लाइबा ने कब आना है, लाइबा आएगी इंशाल्लाह इस मंथ के एंड पे, जब ईस्टर हॉलीडेज होंगी ना यूनी वालों को तो तब आएगी, तो बस ओदे आने तो पहला पहला मैं सारा घर जोड़ा ना नाइस सा इंशाल्लाह सेट करूंगी, फिर लाइबा आएगी तो उसके साथ जो है ना अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है ना। मैं पानी पी लूं, पानी नहीं, मैं ना फ्रिज देखो, जूस पी लूं, फ्रिज होगी माशाल्लाह होगी होगी होगी, नहीं मैंने फ्रिज में से जूस कहाँ निकाल के रखे, जूस ही ग्रेप्स, ग्रेप्स नहीं ग्रेप्स, ग्रेप्स का जूस, ग्रेप्स को मैंने जान के क्या होने है ना कि यही ना जी ने नाम गलत लिया, ग्रेप्स चलो सिर्फ थोड़ा फिलहाल के लिए हो ही है, ऑर्डर्स ग्रेप्स इज वेरी सावर, ग्रेप्स इज सो सावर एंड स्वीट, बिस्मिल्लाह बैठ के पी ला, बैठ नजर नहीं आवांगी तानू आ रही हूं। ये अगर प्रिंट हो सकता है ट्यूबलाइट उधर कर सकता हूँ, पहले हम यहाँ पे कर लें शेल्फ शुल्फ सारा कुछ सेट कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि फिर वायरस फिर निकालनी पड़नी है, फिर शेल्फ मूव करोगे। हाँ चलो ये ट्यूब को तो उतार लो ना, ट्यूब उतार लेते हैं जी, बाकी का काम करें फिर मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। ये वाली ट्यूब लाइट है जो मेरे हस्बैंड ने उस किचन में भी लगाई थी, वो उधर ही छोड़ दिया, ये जो है ना ये दूसरे रूम में लगाई हुई थी जहाँ मैं कपड़ों का काम करती थी, तो ये फिर वहां से हम उतार के ले आए हैं, तो हम इन्हें असी लाइए, क्योंकि लाइट ना जिंदगी में होनी बहुत जरूरी है, आपकी जिंदगी में रोशनी नहीं ना तो कुछ नहीं, तो रोशनी ही सब कुछ है, ठीक है, खुश कैसे रहना है, मिस रोशनी नहीं रोशनी, हाँ मिस रोशनी नहीं होनी चाहिए, अगर मिस रोशनी आ गई तो फिर आपकी जिंदगी की तबाही है, ठीक है, तो मिस रोशनी से प्रेस करें, ओनली रोशनी रखे। इधर है ना छोटी छोटी थी ना इस बे में मैनू भी तो जगह चाहिए, घर च किधर ਨਾ ਪਹਿਲੇ
भाई माँ के हिस्से में ना सिर्फ किचन ही रह जाता है, मिलते तेल में है ताकि इतने तक चक्कर लगाए कुकिंग ऑयल के लिए। भाई हम इसी में खाना खाते हैं, इसी की वजह से हमारे वेट ठीक है, हम पतले हैं। इसमें देसी घी में और बटर में, बीच में आपने दूसरा यूज किया तबीयत खराब हुई थी उससे। हाँ वो दूसरा हम यूज करते ना, कोई भी साड़ियाँ तबीयत सब चीज हजम नहीं होनी फिर। हाँ इस तरह बैक साइड की तरफ तार पीछे कर दो उसका, लेफ्ट जोड़ के रखो ताकि ना शेल्फों से भी कुछ गिरे ना। इसके साथ तो ना अगर ये वाली ये ब्राउन में है ना, अगर ये व्हाइट में होती ना तो इसके साथ तो टोल वाली व्हाइट भी आ जाए। क्या चीज? ये जो जिसमें मैंने नमक मिर्च रखे होते हैं ना, कोने में। हाँ एग्जैक्टली उतनी जगह जितनी ये है ना। चीजें वायरिंग करनी है दोबारा चीजें डालनी पड़नी है। हाँ फिलहाल तो रखनी पड़नी है, वो तो करनी है। तो ये देखें जी ये वाली शेल्फ थी इसकी हम बात कर रहे थे, ये यहाँ पे आ गई और फ्रिज हमने कर दी दरवाजे इसमें। इंशाल्लाह इसमें जो ना है ना टॉल वाली भी है ना जो यहाँ तक आ जाए तो ये फिर वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हाँ। ये फिर एक ही रखनी पड़ेगी। साइज देख लूंगा इसका तो वो फिर आ जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि चावलों के पैकेट वो जो है आटा पतीले ये चीजें पता है उधर कितनी माशाल्लाह जगह था। नहीं अच्छा हो गया ये ना, मेरा सांस निकलेगा। अच्छे आइडिया जा रहे हैं, ऊपर वाला भी बड़ा अच्छा रहा है, ये गुड रहा है। बस आइडिया ही मेनू आंदे ने। ये वाली जो है ना हमारी शेल्फ है, मेरे रुटीन वाले सारा कुछ इसको ना मैं बताती हूँ मैं कहाँ रखने लगी। बिस्मिल्लाह 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 आएगी, क्यों नहीं आएगी भाई, इसका अब्बा भी आएगा, इसका पूरा खानदान है इसके साथ, तो मेरे सिर पे दाग है सर। माशाल्लाह बड़े ये बहुत अच्छी सेटिंग हो गई है ना, मैं कहती हूँ आइडियाज ही मुझे आते हैं यहाँ, देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये व्हाइट होती ना अगर तो बड़ा अच्छा था ये ना, इसमें व्हाइट देखना जरा चेक करो, व्हाइट व्हाइट मिलती है व्हाइट। हाँ तो यहाँ पे व्हाइट, ये सिटी शेल्स हैं, ये डिसकंटिन्यू हो गई, सिटीज कोई नहीं यूज करता। वी आर बेटर ऑफ के 80 के साइज में ना इधर एक ही शेल्फ पूरी आ जाए, वो ज्यादा बेहतर। ये देखो ये कितनी जगह है, अभी यहाँ पे ना थोड़ी चौड़ी वाली भी आ सकती है। नहीं नहीं ये जो मेन शेल्फ है ना, मैं ये वाली ये अगर 83 तक 82 तक की मिल जाए ना तो वो जरा ऊंची हो, क्योंकि देखो इतनी ऊंची कपड़े भी तो यूज कर ही रहे हैं ना वसीम, इतनी ऊंची होगी। हाँ ठीक है स्टेप लेंथ रख लेना ना, है ना है तो सही। नहीं तो आप किस लिए हो, चलो हम तो आ दिया करना, ज्यादा किस लिए भाई, माना कि मैं छोटी हूँ मेरी हाइट इतनी है पर बाकी तो काश लंबे है ना। है घर में जब बंदे लंबे लंबे हो तो सीढ़ियों का क्या काम है। तो ये देखो जी यहाँ पे मैं रखूंगी ब्रोम ब्रश वगैरह, यहाँ पे आ गया बिन, यहाँ पे देखो फ्रिज ने कितनी जगह ली हुई थी, तो फ्रिज की जगह पे ये देखिए यहाँ पे ये शेल्फ आ गई, वो वाली शेल्फ आ गई, यहाँ पे ये बिन आ गया, और अभी यहाँ से ये जो सारा बाजार लगा हुआ है ना ये आएगा इसके ऊपर, वो बड़ी शेल्फ पे आएगा अभी। मतलब के तो वो है ना ना, वो देखे ना वो बड़ा आएगा। हाँ, ये वापस वही जो उसके ऊपर जाएगा। हाँ चलो उसको वो शेल्फ चेंज करेंगे ना फिर हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। और यहाँ पे अब ये जगह हमारी खाली होगी फ्रिज इधर दरवाजे के पीछे, काम ही मुकिया रोला ही मुकिया फ्रिज का। तो ये देखें जी अभी चीजें इस तरह से हमने रख दी, पतीले शतीले थे इनकी भी जगह बन गई है, लेकिन बाद में जो है ना हम जरा थोड़ी ऊंची शेल्फ यहाँ पे रखेंगे, और इस वाली को मैं एंट्रेंस पे यूज करूंगी, इसके अंदर आएंगे मेरे मनी प्लांट्स और कोई और डेकोरेशन के जो है ना चीजें वो मैं इसके ऊपर सेट करूंगी। अभी फिलहाल किचन स्टोरेज के लिए हम इसी को यूज करेंगे, ठीक है। तो ये नहीं जगमगा उठा है किचन, अब यहाँ पे अभी ब्लाइंड लगाएंगे हम, ठीक है। हाँ फर्स्ट क्लास है माशाल्लाह। तो मैं आके बैठी हुई हूँ जी स्कूल के बाहर, तो आप सबसे एक सवाल है, जब बच्चों की छुट्टी का टाइम होता है, मौसम एकदम से ख़राब हो जाए, बिजली चमकन लग जाए, हवा चलने लग जाए, नेरी तूफान आ जाए, या फिर अन्नेवा बारिश, बस होने ऐसे फ़ोन नहीं उठाते जो 00 वाले हो। तो अगर इस तरह से बारिश आ जाए तो क्या फीलिंग होती है, क्या तासुरात होते हैं उस टाइम, आपके क्या एक्सप्रेशन होते हैं, ये ज़रा ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट में आके, आप लोगों ने मुझे बताना है, क्योंकि मैं बैठी हूँ गड्डी विच ते तेज़ बारिश होती पी है बाहर, और बच्चों का बस टाइम हो गया है, हूँ मैं की करा, जे मैं गड्डी च बैठी रही तो मेरे बच्चे भेजे जाएंगे, तो जे मैं बाहर निकली तो मैं भेज जाऊँगी। अब क्या करूँ, जाऊँ कि ना जाऊँ। भाई मुझे ना बारिश से कुछ होता है, जब बारिश पड़ जाती है ना ठंड के गिले हो जाओ, मुझे पसंद नहीं है, मैं ना बहुत बचती हूँ इन चीज़ों से। तो जब वसीम माशाल्लाह ठीक थे ना, तो जब भी बारिश होती थी ना तो मैं तो मच्छल मार के बैठ जाती थी, मैं कहती थी मैं नहीं जाना तुसी जाओ, और वसीम ही आते होते थे बारिश में ना बच्चों को लेने के लिए,
मुझे बारिश में ना बाहर निकलना पसंद नहीं, पता नहीं मैनू ना गर्मियों की बारिश पसंद है, जी सर्दियों वाली है ना ए नहीं मैनू पसंद। तो जरा आइयो अपने अपने तासुरात दसियो तो चले मैं निकलूँ, बेचारे गिले ना हो जाए बच्चे मेरे, ठंड लग जाएगी या फिर बीमार हो गए। कोई नहीं, मेरे पास छात्री है छाता है, गाड़ी में निकालती हूँ। चलो 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 चलो, क्या बनाया मेरे लिए? क्या ये क्या है? पर तू मामा दिखाओ क्या, मैं गाड़ी में जाकर देखती हूँ। देखते हैं जी यार हमने क्या बनाया मेरे लिए, गाड़ी में चल के देखते हैं, गिला हो जाएगा। चलो 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 चलो, बारिश है बारिश है, छतरी के नीचे आओ ना, उधर आगे बाहर कितना गीले होने का शौक है आप लोगों को। चलो चलिए, अब जैनब को भी मैंने लेने जाना है जैनब को लेने जाऊंगी अब। तो चलो मैं देखो अनम ने मुझे क्या दिया है, क्या लेके आई है ना, ये लिखा हुआ है जी टू मामा। अरे वाह ये देखो कितना अच्छा बनाया अनम ने, लिखा है वाई आई शुड गेट अ डे अ डॉग विद डॉग विद डॉग प्लीज गेट मी अ डॉग इवन यू हैव वन प्लीज प्लीज अनम को जी डॉग बड़े पसंद है, तो अनम ने बड़ी जिद लगाई हुई है कि उसने एज ए पेट जो है ना डॉग रखना है। ये देखें ये सिफारिश आई है, क्योंकि इसके नाना अबू के पास होते थे, कल मैं स्टोरी सुना रही थी, तो वो फिर क्या होता है कि ना आपके बच्चों में ना किसी के वो शौक होते हैं, जैसे रोहमा का बेटा है उसको भी है कि उसको बड़े पसंद है, कि वो कहता था कि उसने भी घर में जो है ना डॉग रखना है। अनम को भी बड़े पसंद है, तो लेकिन मुझे पसंद नहीं है, अब्दुल्ला को भी बड़े पसंद है, मैंने इनको यही कहा है, अब्दुल्ला को बिल्ली पसंद है, बाबू को भी पसंद है, तो मैंने यही कहा जो तुम्हारे अपने घर होंगे ना तुम अपने घर के विच कुत्ते बिल्लियां रखियो, आपको मुझे पापा को बिल्लियां पसंद है। तो ये देखें ये अनम ने बनाया, ठहरे मैं उधर से दिखाऊं, आपको मुझे पापा को सनम को बिल्ली खेलती है, लेकिन हमको मुझे अच्छी लगती है, दूर दूर से मुझे अपने घर में रखनी पसंद नहीं है, ठीक है ना, मेरे को बच्चे नहीं संभाले जाते, मैं कुत्ते बिल्लियां संभाल लिया ने उन को भी चाहिए। तो ये देखें जी अनम की सिफारिश कितनी जबरदस्त आई है, पर अनम को मैंने समझाया है कि जो है ना घर में ना रहमत के फरिश्ते नहीं आते, जिस घर में कुत्ता हो, पता नहीं घर के अंदर तो मैं तो कभी भी ना रखूँ ऐसी चीज़ें, साढ़े अबू ने रखी हैं, उन्होंने शौक सी, पर वो ना अलग घर में अलग जगह थी जहाँ पे उनके होते थे। तो यह देखो जरा बस और यहाँ पे जैनब बना रही थी अनम अब्दुल्ला के लिए बर्गर, तो बस वो भी फरमाइश करते रहते हैं, उनके हाथ जैनब आई हुई है और जैनब की हिम्मत है जो उनको बना के दे भी देती है। ये फ्रिज पे लाइबा और जैनब की बचपन की फ़ोटो लगी हुई, तो बस जी ये देख लें आज काम जितना हो सका उतना हमने किया, और बस ये मैंने मीट निकाला है, ये देखें पड़ा हुआ था फ्रीज़र में, तो मैं क्या देख दिया कि की ये, तो फिर देखें इसका मैंने क्या बनाना है कल इंशाल्लाह। तो ये है मैंने निकाला यहाँ पे निहारी के लिए मीट, साथ में नलियाँ निकाली हैं, तो कल बनेगी निहारी। ये देखें जी वसीम साहब आ गए, वो डेलिसी से डर ही गए, तरह निकल गया था मेरा नाम नहीं, मैं डर जाता हूँ वसीम को खाना देने के बाद यहाँ किचन में मैं आई, तो बड़ी यहाँ पे जो है ना ड्यूटी शुरू होने वाली थी, ग्लव पहने बर्तन धोने हैं, तो बस ये जो शीशे के ग्लास है ना इनसे मुझे बड़ा डर लगता है, ये मेरे हाथ से बेचारे एवं गिरते हैं सिंक में ठा करके और टूट जाते हैं, तो बस इनको ना बड़े पोले हाथों के साथ धोना पड़ता है। तो बस जी अभी तो जो है हमारे हाथ जिंदाबाद, इन्हीं से हम काम चला रहे हैं। डिश वॉशर जो है ना जिथे उन्होंने ड्रायर लाया, मैं पहला भी दस्या से उन्होंने बड़ा फसा के ड्रायर अंदर वाड़िया है, वो कढ़ना ही बड़ा वड्डा काम है, तो मैं फिर यही कहती हूँ छोड़ो परे दफ़ा करो, हाथ अल्लाह पाक ने दिए हुए हैं इन्हीं से धो लेते हैं, साथ साथ धुलते रहते हैं बर्तन, इतने फिर इकट्ठे नहीं होते। तो यहाँ पे ये जो मेरा टावल है ना जिसके साथ मैं ये सिंक वगैरह साफ़ करती हूँ, इसको भी चंगी तरह निचोड़ा है, अब इसके नीचे से सारा पानी शानी हम साफ़ करेंगे। तो चलें जी ये हो गया हमारा काम, ग्लव निकाले उनको धोया झाड़ा, तो इसलिए तक देखो मेरी हालत की हुई जी, थक टूट जाता है बंदा शाम तक वैसे, तो बस जी लाइट बंद करेंगे और बस अब जाएं जाके सोएं, बेड नज़र आए तो बंदा अल्लाह पाक का ना शुक्र अदा करता है। मैं सुबह आती हूँ नीचे
और फिर शाम को ऊपर जाना होता है, तो मुझे जाते जाते याद आया कि कपड़े नहीं भांडे तो कपड़ा तो मैं दिता ही नहीं तो इनको कवर करना चाहिए। कहते हैं कि बर्तनों को नंगा नहीं छोड़ना चाहिए कि इनसे ना फिर बड़ी बीमारियां आ जाती हैं इनके अंदर। तो बस एक है कुछ कि इन्हों ना कजना चाहिए, नंगा नहीं छड़ना चाहिए। तो सारा ख़ानदान जो है जी चला गया हुआ है कमरों में, तो हम भी चलते हैं। हमारा घर ऊपर है, पहले एक फ्लोर आएगा, फिर एक और फ्लोर आएगा फिर हमारा फ्लोर आएगा। ऊपर जाते जाते भी जो ना बस हो जाती, बच्चों को किया खुदा हाफिज़ और मैं जा रही हूँ अब अपने घर। तो मेरा घर तो इंज जिंज पता नहीं सत्तवें आसमान थे। तो चलो जी लाइट ऑन की और बेड नज़र आया, तो मैंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। शुक्र अल्लाह पाक दा सोने का टाइम आया। तो चलें जी, इंशाल्लाह फिर मिलूंगी आपको कल के व्लॉग में। दुआ में याद रखें। जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।